बच्चों लेट्स इट गिवन क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द फोर्स नीडेड टू मूव द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑप्शन ए द कार्ट ऑन द हॉर्स द ग्राउंड ऑन द हॉर्स ऑप्शन सी द ग्राउंड ऑन द कार्ट ऑप्शन डी द हॉर्स ऑन द ग्राउंड. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ विच स्टेट्स to every action there is always an equal and opposite reactions but usme do cheeze we need to add on that is that force occurs in pair and this force should be of same nature. We will discuss it along with the problem. Second point important hai, this force acts on different body acts on different bodies. ठीक है तो अब ये सिचुएशन को हम हमारे क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि लेट सपोज हमारे पास हॉर्स है. सो वी आर जस्ट वी कैन अज्यूम दिस एज टू बी द हॉर्स. ठीक है एंड दिस हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि हॉर्स आगे किस वजह से चल पा रहा है. ठीक है तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ डिस्कस किया टू एवरी एक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो होगा ये कि हॉर्स विल बी जो हॉर्स के लेग्स हैं इट विल बी पुशिंग द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. राइट सो ये जो पुश है दिस इज द फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू हॉर्स फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू हॉर्स. सो टू एवरी एक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो अब यहाँ पे हॉर्स ने ग्राउंड के ऊपर ये फोर्स डाला है तो ग्राउंड हॉर्स के ऊपर एक फोर्स डालेगा एंड इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस विल बी द फोर्स ऑन हॉर्स ड्यू टू ग्राउंड. ठीक है तो ये फोर्स है जो कि ग्राउंड से मिल रही है हॉर्स को जो कि इसको आगे ले जा रही है. अगर हम सिर्फ हॉर्स को एनालाइज करें इन दिस सिचुएशन सो हॉर्स पे लगने वाली फोर्स सिर्फ एक है ड्यू टू ग्राउंड. सो इस वजह से हॉर्स आगे चल पा रहा है. अकॉर्डिंगली वी कैन हैव द डिस्कशन फॉर वेरियस फोर्सेस. अब हॉर्स कार्ट के ऊपर लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स तो कार्ट विल ऑल्सो एक्सर्ट सेम फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन हॉर्स. तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमने बोला कि ये जो दो ये सेम नेचर की फोर्सेज हैं एंड दे आर अकरिंग इन पेयर्स एंड ऑल्सो वी कैन से कि ये दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रही हैं. एक एक्ट कर रहा है ग्राउंड पे तो दूसरा एक्ट कर रहा है हॉर्स पे. सो दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ वी नीड टू बी क्लियर विद. सो अगर हम ऑप्शंस को देखें सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर द ग्राउंड ऑन द हॉर्स. जो ग्राउंड फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन द हॉर्स दैट इज मेकिंग हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड. सो बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.